स्वच्छता में चौथी बार नंबर वन का चौका लगाने वाले इंदौर में साफ सफाई की व्यवस्था अब हाईटेक होने जा रही है। नगर निगम ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चैम्बर की सफाई के लिए रोबोट मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। डीआईजी कार्यालय में इसका लाइव डेमो दिखाया गया। कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता के मुताबिक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 5 रोबोट मशीनें नगर निगम ने खरीदी हैं जो 27 फीट तक जाकर सफाई कर सकती हैं। प्रयोग सफल होने पर सभी वार्डों के लिए इस तरह की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से रोबोट मशीन्स खरीदी है। ये हैदराबाद की कंपनी ने बनाई है। ये चैम्बर की सील्ड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में साफ होगा। वैसे एक ऑपरेशन में इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर इसको किसी चैम्बर में ज़्यादा होगा तो ये आधे से एक घंटे में पूरा चैम्बर साफ करता है। निगम ने 5 रोबोट खरीदे हैं। ये पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे तो नगर निगम में इसके बाद जोन वाइज वार्ड वाइज उपलब्ध कराते जाएंगे।